अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज हम आपको व्लॉग में दिखाने वाले हैं अपने एनिमल्स, और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अवर एनिमल्स व्लॉग। तो आप हमारे हाँ, तो गाइस ये हमारी डॉग है, ये अभी हमने इसको खाना वाना दिया है, ये वैसे ही यहाँ घूमती रहती है, तो फिर हम उसको खाना वाना देते हैं। तो अभी ये हमारे साथ फ्रेंडली हो गई, और पता नहीं इसको कुछ है, इसकी कोई बीमारी वगैरह है इसको, और ये अभी नहीं ठीक हुई, तो हम कुछ दिनों में डॉक्टर बुला रहे हैं सारे जानवरों के लिए ना, फिर इसको भी दिखा देंगे उसको। ये इसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह बैठ रही हैं बेचारे की, इसको भी सही हो जाएगा। अब ये भी तो जानवर है, इसका अब तो ख्याल रखना है ना। ये बेचारा, इसको खाना वाना डालते हैं, वैसे ही हमारे साथ आता रहता है। ये हमारी वहाँ पर बैठक पर बैठता होता है सारा दिन ना, तो उसके हम इसको खाना वाना डालते हैं। और वो देखे सामने गाय का बछड़ा, इसका अभी हमने नाम नहीं रखा। हाँ तो गाइस ये वाली बछड़ी है, ये फीमेल है, अभी इसको कुछ 1 महीना 15 दिन हुए होंगे, और ये जो है बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। अभी इसको खाने स्टार्ट हो गई है, थोड़ा थोड़ा खाती है, नहीं तो ये अपनी अम्मा का दूध पीती है। और गाइस ये इसकी अम्मा, उसकी बछड़ा वहीं खड़ा हुआ है, उसको अभी हमने दूर रखा हुआ है क्योंकि ये शाम को दूध देती है इस वजह से। और ये हसन, इसको अभी प्यार कर रहा है, अभी इसको लात पड़ेगी तो सही समझ आ जाएगी इसको कैसे प्यार करते हैं। और ये अभी चिन पे उसकी हाथ लगा रहा है, इसको हम जब दूध निकालते हैं फिर ये लाते वाते मारती है। दूध तो निकालना ज़रूरी है, नहीं तो ये दूध वैसे ही ज़ाया हो जाएगा। उस बछड़े को ज़्यादा नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत खा सकती है, क्योंकि वैसे ही गर्मी हो रही है इतनी। हाँ तो गाइस आज अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमारे रैबिट्स हैं यहाँ पे, वो अभी बाहर नहीं निकले हुए हैं, अभी निकल आया है एक, तो ये वो सामने खड़ा हुआ है। इसका हमने चिंकू और इसकी मिंकी, इसके पास दो दो मतलब फीमेल हैं, फुल इसकी चिल वाला सीन है ना इसका। और अभी घास खा रहा है, वहाँ भी हमने वो रखा हुआ है, घास रखा हुआ है, हम तो कुत्तर बोलते हैं उसको, वो कुत्तर बनी हुई है उसकी मकई की, तो ये वो बड़ी वो शौक से खाते हैं। अभी वो सूख चुकी है, अभी नहीं मंगवाएंगे शाम में, तो फिर ये खाएंगे, वो इनके लिए अच्छी होगी। और जो है इनने बड़ी यहाँ पर सुरंग बनाई हुई है, जिसकी वजह से ये दीवार में देख रहे हैं ना दरारें पड़ गई हैं। यह जो है हमसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, अभी इसको डर लग रहा है कि भाई ये मैं इसको पकड़ ही ना लूँ, पर इसको बहुत ज़्यादा इसको फंगस इन्फेक्शन हो गया था, तो फिर हमने उसको उसका इलाज किया। डॉक्टर इसकी जो फीमेल थी पहले वाली मिंकी, वो तो मर गई बेचारी, वो डॉक्टर पागल था बेचारा, उसको पता ही नहीं था कि रैबिट का कैसे होता है। यहाँ पर थोड़े डॉक्टर जो है ना इनके मालूम नहीं है, क्योंकि इनका कोई इलाज कराता ही नहीं है, तो हम फर्स्ट टाइम लेके गए थे उसके पास, उसके पास कोई पता ही नहीं था उसका, तो उसको सरिंज वगैरह लगाई उसने ज़्यादा बहुत, तो वो बेचारा मर गया, वो अभी एक्सपायर हो गया। तो फिर उसके बाद जो है हमने दो इसके लिए फ़ीमेल लेके आए, अभी वो अभी अंदर हैं, अभी उसके बच्चे बच्चे नहीं आए कोई, अभी कोई हमें गुड न्यूज़ मिली नहीं है, और इसके अंदर हैं सारी सुरंग बनी हुई है, यहाँ तक पता नहीं कहाँ तक, ये देख रहे ना दरारें बड़ी हुई हैं। हाँ हाँ, तो भाई अभी यहाँ पर हमने पंखे वगैरह लगाए हैं, यहाँ देख सकते हैं ये भी पंखा यहाँ सामने लगा हुआ है, यहाँ पर हमारी गाय खड़ी होती है, और ये गाय का बछड़ा अभी घूम रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने बकरियाँ बांधी होती हैं, अभी उनको हम खोल देते हैं। वैसे वो लड़ते थे, दो हमारे जो बकरे थे बड़े वाले, वो कुर्बानी के लिए रखे थे, वो अलग ही राह में चले गए, अब तो वो चले गए, अब नहीं लड़ता कोई भी यहाँ पे, तो अभी हम उनको खोल के रखे। वैसे हम यहाँ पे ऐसे इनको बांध के देते हैं, इसको तो हम एकड़ देते हैं, ये एकड़ जो होती है ऐसे ही खाते हैं, सही से डंडियाँ बच जाती हैं, और सारे इसके पत्ते खा लेते हैं, तो वो अच्छा रहता है इनसे, तो वो सही से खा भी सकती हैं। और मिट्टी पर नीचे देने का कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे मिट्टी लगती है, फिर उनको पसंद नहीं आता, तो इस वजह से ये ज़्यादा ख्याल रखा करें। तो ये सामने इधर ऊपर लगा के दिया करें, जैसे उनको खाने में तकलीफ़ भी ना हो और वो अच्छे से खा भी लें। हाँ तो गाइस अभी हमने सोचा है कि 2-4 बछड़े लेके आते हैं गाय के, उनको हम बड़ा करेंगे कुर्बानी के लिए, और हम उनको अपने से पालेंगे तो बहुत जवाब होगा उसका, तो वो अच्छा रहता है, खुद से पालो अच्छी अटैचमेंट बन जाती है, खुद पालेंगे उनको, बच्चे छोटे लेके आएंगे कल, हम जाएंगे वो भी आपको ले जाएंगे कल। और ये अभी उसकी फीमेल निकल आई है वाइट वाली, और एक दूसरी है वो अभी तक नहीं आई, वो भी आ जाएगी थोड़ी देर में, वो भी दिखा देंगे आपको। और तो जो है हमारे पति वगैरह वापस आ जाएं तो आपको हम दिखाते हैं वो कैसे शाम में आती हैं, उनका नाम वगैरह सब कुछ आपको बताते हैं। एक दो का रखा हुआ, एक दो का नहीं रखा हुआ, और ये सामने ये इसने काइट पकड़ा हुआ है, ये बकरियां वगैरह देखता है सारा दिन, इसका काम ये मतलब काम होता है। कौन फिर इसको अंदर रखा करो ना साफ करके।
अंदर लेके जाते हैं। सही है, उसको धूप से हटा दो ना, उसके बछड़े को, वो धूप पे हुआ हुआ है। तो ये गाइस, उसको अभी उर्दू नहीं आती, हम इसको सिखा लेंगे, फिर इसको उर्दू आ जाएगी, फिर आपको इसकी बातें सही से समझ आएंगी। जो भाई सिंधी होंगे उनको समझ आएगी, ये सिंधी लैंग्वेज बोल रहा है अभी। तो इसको अभी गर्मी लगी हुई है बेचारा, सारा दिन ये उनके साथ ही होता है यहीं पे, नहीं तो कहीं दूर लेके जाता है गाँव में। तो अभी ये इधर ही खड़ी हुई हैं, क्योंकि इधर किसी की फसल नहीं हुई हुई, ये हमारी हुई हुई थी, अभी वो ख़त्म हो चुकी है। बकरियों को हम काट के देते थे, अभी वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये बकरियां सामने आपको दिख रही होंगी, ये सामने घूम रही हैं, ये खुद ही घूमेंगी सारा दिन। तो ये नेचुरल माहौल में रहती हैं, तो बिल्कुल कंफर्टेबल होती हैं और ये सही रहती हैं। और ये आप बताएं कि सिंध का कौन सा शहर है जहाँ पे खजूरें ज़्यादा होती हैं, वो आप कमेंट में बताएं, जिसका सही होगा फिर उसको हम मेंशन करेंगे ना। ये देखें, हमारे पास खजूरें पक चुकी हैं बिल्कुल, अभी थोड़ा सा टाइम है, कहीं कहीं पे थोड़ी ग्रीन ग्रीन है, वो सामने ग्रीन ग्रीन है, तो वो पक जाएं तो फिर इसके बाद जो है हम फुल पक जाएंगे, फिर ये कटवा लेंगे, फिर जो है सारी पक जाएंगी, फिर इसके बाद सारी वो जो होती है बनेंगी खजूरें सही वाली। अभी ये मीठी नहीं होंगी, कुछ कच्ची फीकी होंगी, तो इस वजह से। अभी गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, बड़ी टाइड वाली गर्मी होती है यहाँ पे तो वैसे ही, तो इसलिए सारे परिंदों जानवरों को बड़ी तकलीफ़ होती है। इनको पानी वगैरह टाइम पे देना चाहिए, हमें तो हम उनको टाइम पे पानी वगैरह देते हैं, और वहाँ पे नदी चल रही है ना छोटी सी, तो वो सही से उधर से पी लेते हैं, नहीं तो यहाँ तो इनका बड़ा ही होता है पानी, वो आके पीते हैं। अभी हम गाय को छोड़ा हुआ है, बछड़ा वहाँ बांधा हुआ है, क्योंकि वो दूध पी लेगा तो फिर उसको, अभी गर्मी है वैसे ही, तो अभी उसको दूध नहीं देना चाहिए, शाम में लेंगे ठंडे वक्त में तो वो सही रहेगा। अभी हम टॉमी को ढूंढ रहे हैं, पर टॉमी मिल नहीं रहा। आलिया उसके लिए रोटी लेके आई है ये वाली, पर टॉमी पता नहीं कहाँ चला गया, अभी अभी यहाँ खड़ा हुआ था पर पता नहीं कहाँ चला गया, वो ये आ गया। टॉमी ये आलिया ने इसको इधर ही फेंक के दी, पर बेचारा खा नहीं रहा, खा ले उधर से उठा ले, मिट्टी से उठा ले। ये अभी मस्तियाँ कर रहे हैं, ये अब खुद ही खा लेगा ना। मुझे डर लग रहा है गाइस, भाग रही है टॉमी, तो बता नहीं क्या हुआ है। जा टॉमी जा, अभी जा, बस जा। अभी डर लग रहा है मुझे इस टॉमी से, क्योंकि अभी ये हमारी पक्की नहीं हुई, अभी इसको 2-4 दिन ही हुए खाना दिए हुए, पर अभी ये काट वाट लो, इसकी वैक्सीन वगैरह अब नहीं हुई हुई, तो इसलिए अभी डर लग रहा है। इसको छोड़ दो, अभी ये खुद ही खा लेगी। आलिया ने इसको गलत जगह पे दे दिए रोटी, फिर अब मसला बन जाएगा। हाँ तो निकल गया बस, अब लेके जाऊँ अभी उसके ऐसे का है, वो पी रही है। चलो भाई, ये हमारी बकरियाँ, ये है बघीरा, और इसका नाम नहीं रखा हमने अभी तक, इसका कोई बच्चों ने अजीब सा रखा हुआ है, पर हम इसका अभी वो नाम नहीं रखना चाहते। और जो है ये इसकी बेटी है, ये दूध वगैरह देती है, पर ये इसकी बेटी पी जाती है, अभी तो बड़ी हो गई है माशाल्लाह, फिर भी पीती है दूध, तो पिए ऐशी करे। और ये है हमारा स्नो, और वो उसका नाम भी नहीं रखा हमने, क्योंकि इसको कुछ टाइम पहले ही लेके आए थे, और इसका नाम भी नहीं सोचा, ये हमसे थोड़ा दूर दूर रहती है। अभी देख रहे हैं कितना दूर खड़ी हुई है, और ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये हमारा प्यारा सा बघीरा है, और ये तो है बस, सही है, अब नाम इनका रख लेंगे बाद में। चिनकार चल रहा है, ठंडा पानी इनके लिए, ठंडी जगह हो जाएगी, रात में इसको यहीं बांध लेंगे। तो अभी ये दूध पी रहा है, तो अभी ये दूध पी के यहीं खड़े हो जाएंगे, फिर रात को इसको देर से बंद करेंगे। तो आज इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।